हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। प्रो कबड्डी सीजन 9 की सभी तैयारियां हो चुकी है, यानी कि स्टार्टिंग डेट, ऑक्शन, सब कुछ हमें आगे मिल चुका है। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक प्रोमो रिलीज किया गया था जिसमें पहले बस ऐसा लिखा था कि अक्टूबर 2022 को हमें प्रो कबड्डी सीजन 9 देखने को मिलेगा, बट उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन डेट आ चुकी है, यानी कि ऑफिशियली हमें ये अनाउंस हो चुका है पीकेएल सीजन 9 हमें 7 अक्टूबर से लाइव चलता हुआ नजर आएगा। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दी, अगर वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, या अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ऊपर डिस्क्रिप्शन या आई बटन में अभी वीडियो शो कर रहे होंगे, तो प्लीज उस वीडियो को भी देखना। तो गाइज, मेरी एक सीरीज यहां पे चल रही है, एक प्लेलिस्ट मेरी चल रही है सेपरेट, जिसमें मैं सभी प्रो कबड्डी लीग के टीम्स के स्क्वाड्स को अनाउंस कर देने वाला हूं। आज हमारी 8वीं टीम की बारी है, ऑलरेडी मैंने यहां पे 7 टीम्स की स्क्वाड्स को अनाउंस कर दिया है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन में शो कर रही हूं, तो प्लीज उस वीडियो को भी देखना। इस स्क्वाड को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पहली रेडर कैटेगरीज में अलग है, डिफेंडर कैटेगरी और ऑलराउंडर कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरीज में हमने यहाँ पे इस स्क्वाड को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अगर हम रेडर कैटेगरी की बात करेंगे तो अभिषेक सिंह, रजनीश, मोनोगोयत, सिद्धार्थ देसाई, अनिकेत बेनीवाल, अमन कादियान, विनय जैसे रेडर्स हमें पीकेएल सीजन 9 के लिए तेलुगु टाइटन्स टीम में नजर आ सकते हैं। तेलुगु टाइटन्स टीम को पिछले साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब उनके 2 मेन रेडर्स इंजर्ड हो गए, तो उसके बिना पे इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा तगड़ी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। बिकॉज मैंने कंपेयर की स्क्वाड को बहुत ज्यादा टीम्स के साथ, तो मिलती जुलती स्क्वाड नहीं है बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। पिछले साल बस तेलुगु टाइटन्स टीम ने बस एक ही मैच जीता, तो इसके बरकस उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्क्वाड इस बार अनाउंस कर दिया है। तो दूसरा कैटेगरी की ओर चलेंगे, डिफेंडर कैटेगरी की बात करेंगे तो आदर्श टी, परवेश बेंसवाल, रविंदर पहल, सुरजीत सिंह, मोहम्मद शियास, विशाल भारद्वाज, पालाराम कृष्णा, प्रिंस, विनय कुमार, नितिन, मोहित एंड मोहित पहल जैसे डिफेंडर्स हमें पीकेएल सीजन 9 में डिफेंडर कैटेगरी में नजर आ सकते हैं तेलुगु टाइटन्स टीम में। तो सबसे बड़ा नाम इस तेलुगु टाइटन्स टीम में जो डिफेंडर कैटेगरी में नजर आ सकता है, परवेश बेंसवाल, रविंदर पहल और सुरजीत सिंह जैसे डिफेंडर्स हमें पीकेएल सीजन 9 के लिए डिफेंडर कैटेगरी में नजर आ सकते हैं तेलुगु टाइटन्स टीम में। तो ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करेंगे तो ऑलराउंडर कैटेगरी में मैंने सभी टीम्स के देखे हैं, बस 2 ही ऑलराउंडर्स होते थे, बस इस बार तेलुगु टाइटन्स टीम ने 4 तगड़े ऑलराउंडर्स को स्क्वाड में अनाउंस कर दिया। सबसे पहले हामिद मिर्जाई, मोहसिन मकसूदलू, के हिमांतु एंड रविंदर जैसे ऑलराउंडर्स हमें पीकेएल सीजन 9 के लिए तेलुगु टाइटन्स टीम में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।